नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये है न्यूज 21 राजस्थान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस में हम कोशिश करते हैं कि नागौर जिले की हर जरूरी खबर के साथ साथ आपके लिए जरूरी राष्ट्रीय, प्रादेशिक और मौसम विज्ञान की भी जानकारी हम आपके बीच में रोज लेकर आए। यही क्रम लगातार जारी है। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। नागौर जिले के दूध कारोबार में 7 करोड़ रुपए के गबन के मामले को लेकर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल को सौंपी गई जांच। इस संबंध में नागौर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के कार्यवाहक प्रबंधक मदन लाल बांगड़ी की ओर से रिपोर्ट कराई गई दर्ज। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने पुलिस को विधि संगत कार्रवाई के दिए थे आदेश। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जिले में डेयरी बूथों पर रोजाना दूध परिवहन कर इसके बदले राशि उठाने वाले 5 ठेकेदारों ने करीब 2 साल से 71 राशि जमा नहीं करवाई तथा खुद की जेब भरने का किया काम। अब 500 ठेका कर्मियों का ठेका रद्द कर 7 करोड़ रुपए गबन का मुकदमा हुआ है दर्ज। लंबी ड्यूटी, अवकाश नहीं मिलने और परिवार से दूरी और राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव के कारण प्रदेश में पुलिस कर्मियों के आत्महत्याओं के मामलों को देखकर मानसिक तनाव का लगाया जा सकता है अंदाज़ा। इसी बीच नागौर जिले के सिपाहियों को रिलैक्स फील कराने के मकसद से मुंडवा CO और कुचेरा SHO की अनूठी पहल आई सामने। बुधवार को जिले के कुचेरा थाने में तैनात सिपाही का जन्मदिन मनाकर पेश की गई मिसाल। थाना परिसर में जन्मदिन का केक कटवाकर सहयोगियों और अधिकारियों के साथ खिलाया गया खाना। देर रात DJ की धुन पर डांस कर मनाया जश्न, परंतु थाना परिसर में DJ बजाने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। जिस DJ को बजते देखते ही पुलिस तत्काल करती है जब्त, वही DJ कुचेरा थाने के परिसर में बजता दिखाई दिया तो उठे सवाल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कल जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर की जनसुनवाई। इस अवसर पर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों से भी मुलाकात कर समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरपास पर की बात। जिले के पांचला सिद्धा में आयोजित हो रही 17 वर्षीय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने आई झुंझुनू की टीम भी पहुँची शिष्टाचार भेंट के लिए। सांसद ने टीम से मुलाकात कर की हौसला अफजाई। 16 नवंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह में नागौर के 3 शिक्षक भी होंगे सम्मानित। जायल के राजेंद्र बांगड़ा, मेड़ता रोड के मोहम्मद अख्तर नदीम व डीडवाना के भंवर सिंह खोकर का हुआ है चयन। जायल के शिक्षक राजेंद्र बांगड़ा को पूर्ण समर्पण भाव से शिक्षक भूमिका का निर्वहन करने के साथ साथ भामाशाह के रूप में भी अतुल्य योगदान देने तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। शिक्षक संगठनों में भी इसे लेकर बांटी गई मिठाइयां। कल जिले भर से शिक्षकों ने भी बांगड़ा को दी बधाइयाँ। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा के अंग्रेजी विषय के व्याख्याता मोहम्मद अख्तर नदीम से भी हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सम्मानित सूची में नाम की घोषणा के साथ ही समूचे क्षेत्र से मिल रही है बधाइयां। अपनी 25 वर्षीय राजकीय सेवा में उन्होंने हुडील, हर्षोलाव एवं जारोड़ा में सेवा देते हुए कई नवाचार एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को मदद कर लगातार शिक्षा क्षेत्र में समर्पित कार्य करने हेतु चुना गया है शिक्षक सम्मान के लिए। अवार्ड्स के लिए तो कभी काम किया ही नहीं है, पहली बार तो ये तो हमारे तालियां बजाएं, बहुत अच्छा जवाब हमारे तो हमारे साथी लोग हैं, हमारे जो प्रिंसिपल सर थे अभी रिटायर हुए हैं हनुमान जी, और एक दो जने और बंदे जो जिन्होंने प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि आपको आगे आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उसके लिए भी कहा कि लोगों को मोटिवेशन मिले। एक डिजर्विंग पर्सन को अगर अवार्ड मिलता है तो अवार्ड की वैल्यू बढ़ती है, इस तरह की बात उन्होंने कही, तो लगा कि क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए। बाकी अवार्ड्स के लिए काम करना कभी सोचा नहीं था जी, और काम किया हमेशा, और आज 24 साल हो गए हैं, 24 ईयर्स हो गए हैं सेल्फलेस सर्विस करते हुए, और ये कहने की बात नहीं है, देखने अपने आप में नजर आता होगा लोगों को, बाकी अपनों हमको तो काम करना। सर जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई थी टीचर लाइन के अंदर, वो कहाँ से हुई थी और आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये सबसे पहले एक उदील गांव है
नवा सिटी तहसील में, वहाँ पोस्टिंग हुई थी मेरी सेकेंड ग्रेड टीचर में। उसके बाद हरसलाव और उसके बाद मैं नवंबर 1997 में जरोड़ा ज्वाइन किया मैंने, और फिर उसके बाद लगातार यहीं पे हूँ। और शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इस दौरान धन्यवाद देना चाहूँगा उन मेरे 5 साथियों को जिन्होंने उस स्ट्रगल में पूरा मेरा सहयोग किया, जिसमें हमारे एक पीटीआई जी थे शंकर जी, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया, और साथ में जो और भी अदर टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की। जारोड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके आने के बाद पुष्कर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला चढ़ने लगा है परवान। पशुओं के खरीददार एवं व्यापारियों की खल रही है कमी। पशुओं की आवक तो हुई है तेज, परंतु पशुपालकों के मुताबिक पशुओं की बिक्री के ग्राफ में महसूस हो रही है कमी। मेले में ऊंट, गाय, भैंस एवं घोड़ों के साथ अन्य पशुओं की भी आवक लगातार है जारी। पशु मेले के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चकाचौंध महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है पुष्कर मेला। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे कस्बे में चल रही कुंजल माता रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का बीती रात हुआ समापन समारोह एवं फाइनल मैच। समापन समारोह में जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खेलों के महत्व पर किया संबोधित। विधायक ने फाइनल मैच खेल रही बोरावड़ एवं जसवंतगढ़ की टीम के मध्य ठोस का लिए उछाला सिक्का। ठोस जीत कर जसवंतगढ़ की टीम ने बैटिंग करते हुए 80 रन बनाकर बोरावड़ की टीम को 81 रन का दिया लक्ष्य। सैकड़ों की तादाद में खचाखच भरे स्टेडियम में रोमांचक मैच में बोरावड़ की टीम ने जीता मुकाबला। विजेता टीम को 101,000 एवं उप विजेता टीम को 51,000 रुपये एवं ट्रॉफी देकर किया गया पुरस्कृत। थावला के निकटवर्ती ढाणीपुरा की मनीषा गोरा का नीट में कैटेगरी वाइज 3071वीं रैंक के साथ सिलेक्शन होने के उपलक्ष्य में कस्बे के बाबूजी महाराज मंदिर प्रांगण में रखा गया सम्मान समारोह। कस्बे की प्रथम डॉक्टर बनने जा रही मनीषा गोरा का मनोबल बढ़ाने और दूसरे बच्चों को प्रेरित करने के लिए रखे गए सम्मान समारोह में मनीषा एवं उसके परिवार का किया गया सम्मान। इस मौके पर अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी चयनित बालक बालिकाओं का किया गया सम्मान। पुष्पमाला, सापा एवं सोल उड़ाकर ट्रॉफी देकर गोरा परिवार को सम्मानित करने पर अध्यापक नाथुराम गोरा ने जताया आभार। इस मौके पर क्षेत्र के शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कार्मिकों के साथ साथ ग्रामवासी भी रहे उपस्थित। मनीषा ने सम्मान के लिए सभी का आभार जताते हुए है जाहिर की खुशी। के लिए 2 साल 12th के बाद प्रिपरेशन किया, उसके बाद इस साल मेरे 630 मार्क्स आए हैं। उसके साथ मैंने ओबीसी में ऑल इंडिया ओबीसी से 3071 रैंक आई है, और मैं इसके लिए अपने सभी टीचर्स, मेहता सिटी बी स्क्वायर अकेडमी के टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेरे पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। नामा विधायक एवं विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिरानी तथा गुड़ा साल्ट में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का किया निरीक्षण। साथ ही साथ इस मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का भी किया गया शिलान्यास। जिला आबकारी विभाग एवं बाल कल्याण समिति के बीच हुई समीक्षा बैठक के बाद शराब सहित अन्य मादक पदार्थों के विक्रय स्थल पर नाबालिग बच्चों को शराब बेचना, शराब की दुकान पर रखना कानूनन अपराध है की जानकारी से जुड़े बोर्ड लगवाने के निर्देश हुए जारी, जिसके तहत आबकारी विभाग के निरीक्षक एवं विभागीय अधिकारी शराब की दुकानों का निरीक्षण कर अनिवार्य रूप से बोर्ड लगवा कर करेंगे सत्यापन। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि इसे लेकर नशा मुक्ति अभियान की ओर अधिक सक्रिय रूप से किया जाएगा काम। नशा मुक्ति एवं नशे के दुष्प्रभाव को लेकर होते रहेंगे संयुक्त कार्यक्रम। राज्य के मदरसों में लगे पैरा टीचरों के नियमितीकरण एवं वेतनमान वृद्धि को लेकर राज्य भर में पैरा टीचर्स बैठे हैं धरने पर।
शिक्षा कर्मियों ने बताया कि पूर्व में 117 दिन लगातार चले धरने के बाद मदरसा बोर्ड द्वारा लिखित में दिया गया था समझौता, परंतु उस पर अमल नहीं होने को लेकर फिर से देना पड़ रहा है धरना। जिले के खिमसर क्षेत्र के मदरसा पैरा टीचरों ने विधायक नारायण बेनीवाल के घर धरना देकर दोहराया मांग को। राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति जिला नागौर अध्यक्ष मांगीलाल एवं अन्य शिक्षा कर्मियों ने मीडिया के जरिए रखी अपनी बात। हमारी मांग है नियमितीकरण। शिक्षा कर्मी जो 1992 से 95 तक लगे थे और पैरा टीचर अशोक जी गहलोत ने 1999 में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल के शिक्षा सहयोगी के नाम से 1200 रुपये मानदेय पर हमारे को 20 साल से पैरा टीचर हूँ। अल्प मानदेय मिलता है और हमारा घर का खर्चा भी नहीं चलता है। पहले हम अनमेरिड थे, अब हमारी मेरिड हो गई, बच्चे भी हमारे बहुत छोटे हैं तो उनका पालन पोषण भी हमारा नहीं हो रहा है। सरकार से ये की मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हमारा बहुत शोषण हो रहा है 25-30 सालों से। हमारे ऐसे दिन को हमें कुछ काम नहीं चलता है। दो बेटियों ने मिलकर निभाया बेटे का फर्ज, पिता को मुखाग्नि देकर पेश की मिसाल। जिले के जैल क्षेत्र के जोचिना गांव में 71 वर्षीय किसान की आकस्मिक मौत के बाद दोनों बेटियों सुमन और नीतू ने मुखाग्नि देकर बेटे का निभाया फर्ज तथा अंतिम संस्कार की अन्य क्रियाओं के साथ साथ 13वें पर कल शुक्रवार को दोनों बेटियों ने पकड़ी की रस्म को भी किया अदा। बीजेपी ने मिशन 2023 और प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही अपना कुनबा तेजी से बढ़ाने की कवायद कर दी है शुरू। कल शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में 7 नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे पीसीसी सदस्य और पंचायती राज व सहकारी संस्था में रह चुके नागौर के महेंद्रपाल चौधरी भी बीजेपी में हुए शामिल। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़ एवं नागौर विधायक मोहनलाल चौधरी भी रहे मौजूद। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत पादुखुर्द में कल प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही हुआ निस्तारण। शिविर में 252 पट्टों, 123 नवीन जॉब कार्ड, 295 नामांतरण, 221 खाता शुद्धि, 20 आपसी सहमति से खाता विभाजन, 45 सीमा ज्ञान के प्रकरणों का मौके पर ही हुआ निस्तारण। वहीं मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी की अनुशंसा पर मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 16 करोड़ की लागत से 71 किलोमीटर 24 सड़कें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत की गई स्वीकृत। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद जल्द ही पीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा प्रक्रिया की जाएगी पूरी। नागौर जिला मुख्यालय पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर काटे जा रहे हैं चालान। एसपी अभिजीत सिंह के निर्देश पर शहर के मुंडवा चौराया, विजय वल्लभ चौराया सहित अन्य मुख्य चौराहों पर यातायात पुलिस द्वारा नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के बनाए गए चालान। नागौर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कल नागौर जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण। जेल में मोबाइल सहित अन्य अवांछित सामग्री की तलाशी के लिए चलाया गया तलाशी अभियान। निरीक्षण में एसटीएम सुनील पवार, एडिशनल एसपी राजेश मीणा, डीएसपी विनोद कुमार सिपाक सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। टीम ने करीब 1 घंटे तक ली सघन तलाशी। तलाशी के दौरान नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। जेलर राज महेंद्र ने अधिकारियों को जेल व्यवस्था से जुड़ी जानकारी से करवाया अवगत। डीडवाना के अकोदा में आयोजित हुई 65वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कुचामन के यश जैन ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। 15 नवंबर से कोटा में होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 19 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हुआ चयन। इस मौके पर स्कूल सहित समाज व परिवार से यश को मिल रही है बधाइयां।
तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। कार्यक्रम को लेकर यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अथवा स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने गांव कस्बे की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तब भी आप हमसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि न्यूज़ 21 राजस्थान को किसी विशेष कार्यक्रम को लेकर, किसी विशेष घटना को लेकर, कुछ विशेष पक्ष को लेकर कार्यक्रम चलाना चाहिए तब भी आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।